जुलाई का महीना आधे हिंदुस्तान पर भारी दिख रहा है। प्रचंड गर्मी के बाद मॉनसून ऐसा मूसलाधार होगा, ये किसी ने सोचा भी न था। हिमाचल, उत्तराखंड से असम तक बारिश आफत बनकर टूट रही है। वहीं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात तक हाल बेहाल है। मौसम विभाग की माने तो देश के 23 राज्यों पर अगले 5 दिन बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कहीं रेड अलर्ट का अलार्म बज रहा है तो कहीं ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों पर आसमान से डबल अटैक हो रहा है, कहीं बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है तो जगह जगह हो रही लैंडस्लाइड जानलेवा बनी हुई है। पहाड़ों पर हो रही बर्फ बारिश ने नदियों को ऐसा चार्ज किया है कि मैदान तक पहुंचते पहुंचते नदियों ने जानलेवा रफ्तार पकड़ ली है। तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं, जहां कई लोग पानी की तेज धार में घिर गए। पानी की रफ्तार ऐसी थी कि लोगों के पैर उसमें नहीं ठहर पा रहे थे। ये सभी लोग माँ शीतला भवानी धाम में दर्शन करने पहुंचे थे, तभी अचानक झरने का पानी बढ़ गया और सभी लोग फंस गए। तो गनीमत रही कि वक्त रहते वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और सभी लोगों को रस्सी की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंडक नदी में पानी बढ़ने के बाद बेतिया के निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर बिहार के साथ उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तस्वीरें सिद्धार्थनगर की हैं, जहां बाढ़ का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 में से 2 नदियां राप्ती और बूढ़ी राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 250 गांव के 1,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने बोट की व्यवस्था की है। हालांकि सैकड़ों लोग बढ़ती आफत को देख पहले ही पलायन करने को मजबूर हैं। हमारे गांव में बाढ़ 4-5 दिनों से काफ़ी तेज़ी से आई है। उसके बाद गांव में आने जाने के लिए परेशानियां हो रही हैं, लोग नाव से इधर उधर आ जा रहे हैं। फसल की रोपाई हुई थी लगभग 90% हो गई थी, लेकिन अब क्या है, पूरा डूब चुका है, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। ना घर में रहने का जगह है, सिवान बैठा बोरा वो भी बह गया। एक तो सरकार ने कानून भेज दी, एक तो नहाए वही से सब यार वहार आवत जाते हैं और कौन परेशानी है। पानी से घिरे लोगों की ऐसी ही तस्वीरें शाहजहांपुर से भी सामने आईं। यहां नदी का जल स्तर पहले से कम हुआ है, लेकिन कई इलाके अभी भी पानी से लबालब हैं। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ के साथ सेना को उतारना पड़ा, जिसके बाद कई लोगों को नाव से रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों तक पहुँचाया गया। गंगा में उफान का असर हरदोई में भी दिख रहा है। पानी छोड़े जाने के बाद गर्रा नदी का पानी खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है और आसपास के 50 से ज्यादा गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। करीब 16 साल बाद हरदोई के लोगों ने गर्रा नदी का ऐसा रौद्र रूप देखा है। ऐसे में प्रशासन ने भी पहले से तैयारियां शुरू कर दी है। पीलीभीत धूनी बैराज से पानी वहां से छोड़ा गया है और उसकी वजह से वाटर लेवल काफी बढ़ा है। सवाईजपुर के हमारे कई गांव हैं, सवाईजपुर के साथ साथ शाहबाद के कई गांव हैं जो प्रभावित है। बिलग्राम के केवल 3 ही गांव प्रभावित है, पर शाहबाद और सवाईजपुर का क्षेत्र हमारा काफ़ी प्रभावित है। कल से हम लोग लगातार गांव वालों से संपर्क बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कम से कम समस्या आने दें। हरदोई, शाहजहांपुर और सिद्धार्थनगर जैसा हाल आधे उत्तर प्रदेश का है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के बाद प्रदेश की 7 नदियां उफान पर हैं। 8 जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है, जबकि मौसम विभाग ने अभी भी 40 जिलों में बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस मॉनसून यूपी में हुई बारिश के आंकड़े देखें तो अभी तक 190.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। पूरे जुलाई महीने में 280.4 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन हुई कितनी, आधा महीना भी नहीं बीता है और अब तक 225.7 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यूपी के इटावा में शहर का हाल देखिए। 2 घंटे की बारिश के बाद मैनपुरी अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान जब यूपी रोडवेज बस ने यहां से निकलने की कोशिश की तो यात्रियों की जान आफत में आ गई। 2 घंटे की बारिश के बाद मैनपुरी अंडरपास में 4 फीट से ज्यादा पानी भर गया। इस दौरान जब यूपी रोडवेज बस ने यहां से निकलने की कोशिश की तो यात्रियों की जान आफत में आ गई।
करीब दो घंटे तक पानी में फंसे रहने के बाद बस को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू किया गया। बस वालों को मना किया था दोनों तरफ, जबकि पुल के दोनों तरफ पुलिस प्रशासन द्वारा और नगर पालिका द्वारा बैरिगेटिंग कर दी जाती है, फिर भी नहीं मानते और बस फंसी है। तैसी मेरी जेसीबी ने उसको तत्काल निकाला है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बारिश का दौर उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक जारी है। नेपाल के चितवन में कल हुए बस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बारिश का दौर थोड़ा थम जाने के बाद त्रिशूली नदी में लापता दोनों बसों की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान फिर से शुरू कर दिया गया। 100 से ज्यादा नेपाली सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों को गोताखोरों के साथ तैनात किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक बस हादसे में लापता 62 लोगों में से 9 बिहार के थे। वीरगंज से काठमांडू जाने वाली बस में 7 भारतीय थे, जबकि काठमांडू से गौर जाने वाली बस में 2 भारतीय सवार थे। ऐसे में भारत की तरफ से आपदा विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची है। श्रावस्ती और महाराजगंज जिले के अधिकारी हालात पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन नेपाल में हुए बस हादसे से शायद लोगों ने सबक नहीं लिया है और पहाड़ों पर बारिश के इस दौर में भी लगातार यात्रा कर रहे हैं। ये तस्वीरें बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जिसे जगह जगह हो रहे लैंडस्लाइड के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन जब करीब 80 घंटे बाद हाईवे को खोला गया तो बारिश के मौसम में खतरनाक इस हाईवे पर जाम जैसी स्थिति देखने को मिली। उत्तराखंड के बाद गुजरात की तस्वीरें देखिए। नवसारी जिले के जलालपुर इलाके में चंद घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले। गांव की सड़कों पर समंदर जैसा सैलाब उमड़ आया, जिसमें कई गांव पूरी तरह डूब गए। पानी घरों में घुस गया और लोग जहां के तहां कैद हो गए। इस साल मॉनसून की सबसे ज्यादा मार अगर कहीं देखने को मिली है तो वो असम है। असम से आ रही तस्वीरें अभी भी डरा रही हैं। बोंगाई गांव इलाके में हाईवे का हाल देखिए। भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे कई जगहों पर धंस गया। कई जगहों पर तो हाईवे 5 फीट तक धंसा हुआ दिखाई दिया। असम के ही गोलपारा से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जब एक नाव हादसे का शिकार हो गई जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने नाव में सवार लोगों को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग अंतिम संस्कार करके लौट रहे थे, इस दौरान नदी में उफान आने की वजह से हादसा हो गया। यही हाल असम के ज्यादातर इलाकों का है। बाढ़ की चपेट में असम के 26 जिले हैं। नदियों का जल स्तर अभी भी डेंजर लेवल के पार है। सड़कों पर पानी भरा है, फसलों को नुकसान हुआ है, घर पानी में डूबे हैं, लोग बेबस नजर आ रहे हैं। मोरी गांव में मौजूदा हालात का जायजा लिया हमारी संवाददाता अनामिका ने। इस बार बाढ़ के चलते आप यहाँ की परिस्थिति देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरे जगह पे, पूरे इलाके पे पानी भर गया है। ये रास्ते जो है यहाँ पे पानी भर गया है और लोगों को बहुत तकलीफें हो रहा है। और ASDMA के तरफ से ये बोला गया है लगभग 14 मिलियंस पीपल लोगों को बाहर के चलते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करने के चलते हम लोगों ने ये भी पता लगाया है बहुत सारी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी जगह पे, बहुत सारी छोटी छोटी गांव पे अभी तक रिलीफ नहीं पहुंचा है। बहुत सारे लोग जो स्थानीय शिविर है, जो रिलीफ कैंप्स है, उनमें जाके रह रहे हैं, लेकिन उनको पीने के पानी और खाना खाने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन बहुत सारी जगह पे ये भी देखा गया है जहाँ पे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा खुद जाके बाढ़ परिस्थिति है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। लोगों को मदद मिल रहा है कि नहीं मिल रहे उसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे, जैसे आप देख पा रहे हो, बहुत सारी जगह पे अभी भी रिलीफ नहीं पहुंचा है। गुजरात के वलसाड़ की तस्वीरें देखिए, जहां भारी बारिश के बाद स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बरूड़ियावाड़ इलाके में कुछ घर तो पूरी तरह पानी में डूब गए। यहां पहुंची NDRF की टीम ने इन घरों में रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित इलाकों तक पहुंचाया। भारी बारिश के बीच लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आईं। बलसाना गांव में एक कार ने उफनती नदी पार करने की कोशिश की, लेकिन बीच मझधार में फंस गई, जिसे JCB की मदद से बाहर निकाला गया। देश के आर्थिक राजधानी
राजधानी मुंबई का हाल भी बारिश के बाद बेहाल है। कुछ देर बारिश क्या हुई, सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया और देखते ही देखते कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लग गया। दहीसर वेस्टर्न एक्सप्रेसवे के टोल से पहले पानी भरने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं अंधेरी सबवे के नीचे 3 फीट पानी भर जाने के चलते सड़क को बंद करना पड़ा। आज सुबह राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी जोरदार बारिश हुई। मौसम सुहावना होते ही लोगों को राहत मिली, लेकिन सड़कों पर लगे जाम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सराय काले खां और बारापुला पर जाम देखने को मिला, तो वहीं मिंटो रोड भी पानी पानी दिखाई दिया। हैरान करने वाली तस्वीर रंगपुरी इलाके से सामने आई, जहां एक बाइक सवार पानी से भरे गड्ढे में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को बाहर निकाला। बारिश के मौसम में ऐसे हादसे किसी के साथ भी हो सकते हैं, ऐसे में अगर आप भी बारिश के दौरान घर से बाहर निकल रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें और सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।